ब्रो, सबको पता है कि व्हाइट स्नीकर से बेटर और कोई स्नीकर नहीं है, क्योंकि ये कलर सारी आउटफिट के साथ जाता है। लेकिन यार, व्हाइट स्नीकर्स भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं, और उसमें से आपके लिए कौन सा वाला बेस्ट है जो कि आपकी बजट में भी आए और आप बहुत सारे आउटफिट के साथ उसको स्टाइल भी कर पाओ आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से। कन्फ्यूज मत हो, मैं हूं ना। वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा, एंड आज के समर फैशन सीरीज के एपिसोड में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट स्नीकर्स एंड हाउ टू स्टाइल देम, और हाँ, विद ब्रांड्स हर बजट के लिए। सबसे पहले आते हैं कि कौन से बेस्ट टाइप के व्हाइट स्नीकर्स होते हैं। पहला है कैनवस मटेरियल में, चाहे फिर वो आपके एंकल्स के ऊपर खत्म हो रहे हो जिसको हाई टॉप्स कहते हैं, या फिर एंकल्स के नीचे खत्म हो रहे हैं जिसको लो टॉप्स कहते हैं। ये मटेरियल बहुत लाइट एंड ब्रीदेबल होता है, मतलब इसके आर पार एयर आराम से जा पाती है, तो आपको इसमें गर्मी नहीं लगेगी। इसका आउटसोल, मतलब इसका सबसे नीचे वाला पार्ट सोल का, वो रबर या गम का होना चाहिए। हाई टॉप उनके लिए बेटर है जिनकी हाइट 5'8" से ऊपर है, एंड बाकियों के लिए लो टॉप्स। वैसे कोई वाला भी पहन सकता है। इसके बेस्ट ब्रांड्स हैं, अगर आपको हाई टॉप चाहिए तो कॉन्वर्स का चक टेलर, और अगर आपको लो टॉप चाहिए तो वैंस, और अगर आपकी बजट थोड़ी सी कम है तो आप ये दोनों क्लेप या सिंबल ब्रांड के ले सकते हो। अब यार, बजट वाले तो मैं हमेशा बताता ही हूँ, और इसीलिए तो मैं आपको सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ। नेक्स्ट है क्लासिक व्हाइट लेदर स्नीकर, मतलब कि फेक लेदर के बने हुए, और वो होने चाहिए लो टॉप, मतलब आपके एंकल के नीचे खत्म होने चाहिए, और वो होने चाहिए थोड़े से पतले, थोड़े से स्लिम, ताकि आप थोड़े से क्लासी दिखो। अब यार, लेदर गर्मी के लिए बेस्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन यार इतना क्लासी और कोई मटेरियल नहीं दिखता। इसमें आपको एकदम क्लीन वाले लेने हैं, और क्लीन वाले का मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई मिट्टी विट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। क्लीन का मतलब ये है कि इसको कोई और डिजाइन नहीं होने चाहिए, कोई स्टिचिंग होनी चाहिए एक्स्ट्रा, कोई परफोरेशंस मतलब कि होल्स नहीं होने चाहिए, एंड ब्रो कोई भी और कलर या कोई भी और लोगो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे होगा कि आप इसको कैसे भी स्टाइल कर पाओगे और उस पर कोई लोगो नहीं होगा तो कोई ये भी नहीं सोचेगा कि ये सस्ते हैं या महंगे हैं। कोई उस पर इस बारे में ध्यान नहीं देगा कि सस्ते हैं महंगे, बस वो अच्छे लगेंगे। एंड इसीलिए मेरा पर्सनल एब्सोल्यूट फेवरेट है स्पोर्ट्स स्टार कंपनी का 600 रुपए वाला व्हाइट स्नीकर। इससे ज्यादा अच्छे दिखने वाला व्हाइट स्नीकर 2-3 हजार की रेंज से कम के नीचे है ही नहीं। लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी ही है कि आपको एक सीजन चल जाएगा, वो भी तब जब आप इसको रोज रोज ना पहनो, इसका ध्यान रखो, और स्पोर्ट्स खेलते हुए ना पहनो। अब अगर आपके पास बजट है तो आपके ऑप्शंस हैं मास्टर हार्बर, या फिर और पैसा है तो H&M, और पैसा है तो ओल्डो। मैं पर्सनली ये 600 वाला ही पहनता हूँ 5-6 बार, और उसके बाद जब गंदा हो जाता है तो ये डोनेट कर देता हूँ और एक न्यू मंगवा लेता हूँ यही वाला। वैसे चीप स्नीकर्स को पहनने की ट्रिक्स आपने मेरे चीप स्नीकर गाइड में देख ही लिया होगा। नेक्स्ट है बल्कि व्हाइट स्नीकर, मतलब लेदर या स्वेट टाइप के मटेरियल से बना हुआ एक व्हाइट स्नीकर जो कि थोड़ा सा भारी है, मतलब थोड़ा चंकी है, थोड़ा बल्की है। अब ज्यादा बल्की मत ले लेना, नहीं तो वो स्टाइल करना बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बहुत कम आउटफिट के साथ पहन पाओगे। ये बेस्ट होता है स्ट्रीट स्टाइल के लिए, एंड हर आउटफिट में बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है ये। इसमें मेरा फेवरेट है नाइकी एयरफोर्स 1 ऑल व्हाइट में। उसको आप ले लो, उसको आप गंदा भी कर दोगे, वो गंदा होने के बाद भी अच्छा दिखता है। मेरा वाला 4-5 साल पुराना है और अभी तक इसकी क्वालिटी एकदम सुपर्ब है, चलने में एकदम कंफर्टेबल है। माना कि ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये डेफिनेटली अगर आपके पास बजट है तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको यही बजट में लेना है तो मैंने नीचे कुछ लिंक्स डाल दिए हैं, 2-2.5 हजार में आपको रेड टेप एक ब्रांड है उसके अच्छे वाले मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एथलीजर व्हाइट स्नीकर, मतलब थोड़ा स्पोर्टी फील वाला जो कि आप जिम में भी पहन पाओ और अपने दोस्तों के साथ चिल मारने जा रहे हो तो वहां भी पहन पाओ। यार अब इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी स्पोर्ट्स स्नीकर ले लो, बस वो व्हाइट होना चाहिए पूरा, ज्यादा से ज्यादा उससे थोड़ी सी ब्लैक कलर की डिटेलिंग चलेगी। अब क्योंकि आप ये पहन के बहुत ज्यादा चलने वाले हो, जिम जाने वाले हो वगैरह वगैरह, तो आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आप अपनी पैरों की हेल्थ के साथ पंगे नहीं ले सकते। तो यहाँ बेस्ट होंगे स्पोर्ट्स ब्रांड से लेना, जैसे कि एडिडास, नाइकी, पुमा, न्यू बैलेंस, स्केचर्स वगैरह वगैरह। और ये ब्रांड्स ना थोड़े से महंगे होते हैं, तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको 70% तक डिस्काउंट मिल जाता है इनके फैक्ट्री आउटलेट्स पे। वैसे फैक्ट्री आउटलेट वाला ब्लॉग चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। अब आते हैं कि इन सारे स्नीकर से क्या क्या आउटफिट्स बन सकती है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन से लेना है, इस चीज के हिसाब से कि आपका जनरली दिन कैसा जाता है। व्हाइट कैनवस वाले बेस्ट लगेंगे जीन्स एंड टी शर्ट के साथ, ये परफेक्ट एवरीडे कॉलेज लुक बनाएंगे। जीन्स होनी चाहिए स्लिम फिट, तो ये बेस्ट लगेंगे। अगर आप हाई टॉप्स पहन रहे हो तो जीन्स को कफ, मतलब कि रोल करके इसको ढक देना, एंड अगर लो टॉप्स पहन रहे हो तो सॉक्स दिखाओ एंड जीन्स को कफ करो ताकि इसको ढके ना। क्लासिक व्हाइट लेदर स्नीकर्स अच्छे लगेंगे थोड़ी मैच्योर या क्लासिक लुक के साथ, जैसे कि चीनोस के साथ अगर आप पोलो पहन रहे हो। इसका लेदर बाकी की आउटफिट को थोड़ा सेमी फॉर्मल बनाता है, एंड कैजुअल ऑफिस डेज के लिए बेस्ट है, और डेट्स के लिए भी। इन स्नीकर्स के साथ फ्लोरल प्रिंट भी पहन सकते हो आप, जो बहुत अच्छी पार्टी वाइब देगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ एकदम पार्टी वार्टी करने जा रहे हो तो आप बहुत कूल लगने वाले, और आपकी रातें तो सेट हैं। वैसे ये वही वाले स्नीकर्स है 600 वाले, तो रात को अगर आप पार्टी करो और ये खराब भी हो जाते हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि वाइट स्नीकर सबसे अच्छे लगते हैं स्ट्रीट स्टाइल में, थोड़े वाइड फिट पैंट्स के साथ, जैसे कार्गोस पहनी है मैंने यहाँ, एंड साथ में एक ओवरसाइज्ड टी, ओवरसाइज मतलब थोड़ी सी खुली वाली। इससे स्ट्रीट स्टाइल लुक एकदम कंप्लीट हो रही है। इसमें आपकी जो कार्गोज है वो शूज के ऊपर आनी चाहिए और उनको ढकनी चाहिए,
थोड़ी सी रिलैक्स वाइब देने के लिए, चिल वाइब की भाई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप मिनिमल वाला स्ट्रीट स्टाइल भी कर सकते हो जो कि आजकल काफी ट्रेंड कर रहा है। अगर वो कर रहे हो तो थोड़ी लूज ट्राउजर्स के साथ व्हाइट सॉक्स के साथ इसको पहनना। अगर आपकी पैंट्स एंकल लेंथ है तो बहुत सही लगेंगी और अंदर से सॉक्स दिखेगी, नहीं तो आप पैंट्स को और लंबी करके स्नीकर्स को ढक भी सकते हो। एक्सेसरीज इसमें थोड़ी लाइट कलर की रखना ताकि आपके स्नीकर्स के साथ मैच कर जाए। एथलीजर वाला व्हाइट स्नीकर तब जब आप स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा हो एंड आप इसको ब्लैक ट्रैक पैंट्स के साथ पहन सकते हो। ट्रैक पैंट्स में भी कुछ व्हाइट कलर का एलिमेंट होना चाहिए तो वो मैच बहुत बढ़िया करेगा। ऊपर जो आप टी शर्ट पहनोगे वो किसी भी कलर की पहन सकते हो जो आप चाहो, या फिर आप इनको ब्लैक कलर की शॉर्ट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। एंड अगेन टी शर्ट कोई भी कलर की। इसमें सॉक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और सेफ रहने के लिए आप व्हाइट सॉक्स ही पहन लो। तो कॉमेंट्स में बताओ कि आपकी लाइफ के हिसाब से कौन सा वाला व्हाइट स्नीकर मैच हुआ और कब ले रहे हो। नेक्स्ट में मिलते हैं।